मौसम तो बहुत चेंज हो गया, गर्मी हो गया। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की मोहब्बत और दुआओं का। जनाब क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और ऑब्वियसली जब आप जहाँ से आए, मैं भी उम्रा करके आया, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और थी। उसका मैं कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, बयान ही नहीं कुछ। मिसिंग अ लॉट, बस आना था, हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल मैं पाकिस्तान आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में लैंड हो गया, जैसे आपने देखा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हसन, हमजा एंड सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह जिस तरह आपने मोहब्बत से वीडियोस देखी और कमेंट्स किए और सारी बातों को। पहले गनी भाई से सलाम करो। गनी भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मिस किया मुझे इतना अरसा जी? बहुत मिस किया जी, हरदम याद ही करते रहे जी। जी आपने मेरी पुरानी वीडियो में जो पाकिस्तान की सीरीज थी उसमें आपने देखा होगा गनी को मेरे साथ होता है। बहुत ही आउट क्लास, ज़बरदस्त बंदा। राइट, अभी मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस अड्डे पे, और बस अड्डा यहाँ से तकरीबन 35 to 40 मिनट्स है। और वहाँ जाएंगे, टिकट लेंगे, मिलेगी। बुकिंग नहीं है, पैक जा रहा है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, लेकिन ऑनलाइन अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है यहाँ पर। और फेमस से मतलब कहने का मेरा ये है कि लोग यूज्ड टू हो रहे हैं कि प्री बुकिंग के, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड एटमॉस्फेयर, वेरी नाइस। सुबह का बहुत अच्छा है, मौसम मज़ेदार, लेकिन जो है ना ड्यूरिंग द डे गर्मी हो जाती है। अभी आज का सफ़र बड़ा मज़ेदार है। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से साहिवाल बाय रोड बस के ऊपर, और उसका मैं आपको बताऊंगा सारा एक्सपीरियंस कैसा है, मज़ेदार है। अभी 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं। गनी मेरे साथ है। 5:45 हो रहे हैं जनाब। सुबह के नमाज, मैं बस नमाज पढ़ी है और बस फ्रेश हुआ और मैं निकल गया था कि सुबह सुबह चला जाऊँ, साहिवाल पहुँच जाऊँ। साहिवाल में आपको पता है मेरा बहुत बड़ा मरकज़ है, मेरा सब कुछ वहीं पर ही है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। ड्यूरिंग दैट हम आपके साथ कनेक्ट रहूँगा और बताता रहूँगा। सबसे पहले फिलअप और रेट 290.97। हमने अभी फ्यूल डलवा लिया है और अब हम निकल पड़े रिंग रोड के ऊपर। रिंग रोड से ईजी है, रिंग रोड से ईजी सफ़र कोई है ही नहीं लाहौर के अंदर, ये बात कन्फर्म है। और रात कल मैं रिंग रोड पर आया हूँ तो माशाल्लाह मैंने देखा कि बाकायदा लोग रश ही रश। राइट, मैं फिरोजपुर रोड पे आ गया क्योंकि डेवो से जाना था। डेवो इज बुक्ड, टोटली बुक्ड। तो अब डिफरेंट जगह से गनी भाई ले जा रहे हैं मुझे, दोनों जगह से देखें कि वहाँ से मुझे मिल जाए कोई बस तो मैं इजीली वहाँ से चला जाऊँ। राइट जी, हमें मिली है लाहौर टू मियां चन्नू वाया जीटी रोड और साहिवाल। 3.5 घंटे में हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। 3.5-4 घंटे लग जाएंगे हमको पहुँचने में। और ये आई है 1000 की। चलो शुक्र मिल गई। इतना रश, इतना रश गनी लेकर आए और तकरीबन लड़ झगड़ कर इस हालात में और इस बिजी टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह। हालात जो है ना बहुत टाइट है और सख्त हालात है कि बिल्कुल पैक है, हर तरफ रश है क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं और छुट्टियों में सब ने अपनी जगहों पे जाना है। बेसिकली लाहौर इज़ हब फॉर जॉब्स एंड ऑल दैट। तो अब वो वापस जा रहे हैं, तो इसलिए छुट्टियों की वजह से बहुत बिजी है टर्मिनल। बस सर्विसेज, टर्मिनल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, इनको पहले पहले आपने बुक कर लेना है। मेरी तरह बिल्कुल लास्ट मिनट नहीं करना क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था बेसिकली। राइट जी, फाइनली 8 o'clock हमारा टाइम हो गया। अच्छा नहीं, ये तो ज़िगज़ैग ही इतना हो रहा है। अल्लाह रहम करे भाई। ये तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और नहायत ही खूबसूरत जगह से वेलकम बैक। ये मैं आ गया हूँ माशाल्लाह, और इधर साहिवाल आया, साहिवाल से नूरपुर, और उसके बाद फिर मैं चला गया सोने के लिए। बहुत टाइट नूरपुर में आया हूँ, और सारा कुछ बताऊंगा अभी आपको मैं कैसे और क्यों आया हूँ यहाँ पर। उसके बाद जनाब हाल में सो गया, उठा हूँ, अभी असर का टाइम है, असर पढ़ूँगा फिर बात करता हूँ। राइट, अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, और मौसम चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो गई है, ज़्यादा गर्मी हो गई है। बहरहाल मैं ये लेकर आया हूँ थोड़ा सा मस्जिद के लिए, और भी कुछ चीज़ें लाया हूँ, खजूरें वगैरह वहाँ रखी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम किया बच्चों ने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आस्ताना आपको मालूम है, लास्ट मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, ये अब्बा जी ने एक हमारा मदरसा बनाया हमारे लिए ज़िंदगी भर कैसेट। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम आया था बिल्कुल खाली था ये, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल हरा भरा हो गया और निज़ाम बेहतरीन हो गया। चलिए आपको मैं टूर छोटा सा देता हूँ, फिर चलते हैं मस्जिद। अच्छा जी, टाइम हो गया है तकरीबन 45 मिनट्स रह गए इफ्तारी में, और मैं जाऊँगा थोड़ा सा बैठेंगे, बातें शातें करेंगे, इधर में टाइम हो जाना। लेकिन आज बड़ा लंबा दिन था मेरा, सायरा जाके और फिर ट्रैवल, और फिर उसके बाद आके फिर जो है बैठना। एक्चुअली आज ख़त्म कुरान है यहाँ पर, तो इस हवाले से मुझे आना था लाजमी कि मैं ख़त्म कुरान के मौके पर ज़रूर आऊँ। ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह बन गई। बिल्कुल खाली था लास्ट ईयर में जब आया था ना, बिल्कुल चटियल मैदान माशाल्लाह। अच्छा जी, ये साहिवाल और पाक पतन के बीच में है नूरपुर। बच्चों ने छोटी सी काविश की हुई एक और चीज़ है, बड़ी मज़ा से मैं दिखाता हूँ। है ही बात मज़ेदार। चलें माशाल्लाह, सो बंद करते हैं और अब चलते हैं। आपको दिखाता हूँ इसका वॉक थ्रू जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार है, बड़ी कमाल जगह बनी है, बड़ी कमाल जो ना ये जैसे वॉक थ्रू है ना, बहुत कमाल है। और जब ठंड होती है ना तो ऐसा होता है बेहतरीन मज़ा आ जाता है, निज़ाम ही कुछ और होता है। फ्रिक्स लगी हुई हैं, अमरूद है, फिर माल्टे हैं। इसमें क्या है कि ये नया काश्त कोई चीज़ हो रही है, मुझे अभी ना मुलाकात नहीं हुई है माली से। मैं एक्चुअली आया सिर्फ ना ख़त्म कुरान की वजह से, एक दिन के लिए आया था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अपडेट ले नहीं पा रहा हूँ। जी जी माशाल्लाह काम हो रहा है, गाड़ी खड़ी है। अज़ान पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। और बेहतरीन खूबसूरत जगह ये, इसमें इस तरफ लगे हैं फ्लावर फूल वगैरह, और इधर लगे हुए हैं फल वगैरह, लाइक डिफरेंट किस्म के जो भी मौसमी फल। आजकल तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये भी किनू का लगा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली मौसम नहीं है। तो यहाँ पर बीच में लगाते हैं हम जो रोज़मर्रा की जो होती है ना वेजिटेबल, और उसकी ज़रूरत होती है, आलू, टमाटर, गोभी, मटर, मिर्चें, सब यहाँ लगा हुआ है, ये साइडों वगैरह पे, ठीक है। जनाब हो गया टाइम मगरिब का होने वाला। मैं ऊपर नहीं जा सका इसलिए कि बस नीचे कुछ मेहमानदारी, कुछ मिलन मिलाना। अब ये है कि अब जब आऊँगा ना फिर जाऊँगा, फिर रात हो जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं पहुँचाने का। लेकिन आप माहौल देखने की तैयारी शुरू हो गई है अफ्तार की, सुभान अल्लाह। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट रह गए। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा निज़ाम है जनाब माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो यहाँ पर हमारा होता है अफ्तारी का इंतज़ाम, ठीक है, मदरसे में माशाल्लाह। और बच्चे आप देखेंगे कितने माशाल्लाह मोहल्ले के जितने भी बच्चे हैं ना वो यहाँ आके तकरीबन अफ्तार हमारे साथ मस्जिद में ही करता है। और ये करेला कीमा, क्या बात है, करेले कीमे की। और ये जर्दा शरीफ आ गया जी, और साथ में आलू। आ जाए राइट जनाब। यहाँ पर जब रात हो जाती है ना तो फिर रात हो जाती है। डरना नहीं है। ये अभी रात के बज रहे हैं 12:30, ठीक है, और फुल अंधेरा, और इतना सफ़र करके जाना होता है अपने रूम में। और ख़ुद की रात के ना हल्की ठंड बढ़ गई है, तो मैं सोचता कोई चादर वगैरह ले लूँ। अच्छा, मुझे लगा कोई खड़ा हुआ है इधर, ऐलान हो रहा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस माहौल में सैरी का अपना ही मज़ा है। आपने पिछली वीडियोस देखी और क्या उसमें गहमा गहमी भागो वो वाली सैरी, और ये इतने सुकून में। सुभान अल्लाह जी। और सैरी देख लें आप, ये आलू और गोश्त, पराठा, दही, और सबसे मज़ेदार ये देसी शक्कर है, नहीं है, और साथ ये मस्जिद सामने, सुभान अल्लाह, ये आवाज़ें और ये माहौल, सुभान अल्लाह सर, ये मज़ा ही कुछ और है माशाल्लाह। अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है, मज़ा आ गया इस मौसम में, इस माहौल में, इस सुकून में, सुभान अल्लाह। ये अभी सुबह हो रही है, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या सुकून है। सुबह उठ के नमाज पढ़ के फिर सो गया, और फिर लेट उठा, बहुत लेट कमरे में नमाज पढ़ ली ज़ोहर, और उसके बाद तबीयत थोड़ी सी ना डाउन हुई है थकन की वजह से। तो अब ये है कि मैं असर की अजान हो गई है, असर पढ़ने निकला हूँ शाम में, और गर्मी भी आज बहुत थी। मैं एक आध दफ़ा ट्राई मारा, लेकिन टू मच, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सारा निज़ाम, थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। ये नमाज़ पढ़ ली असर की, और असर के बाद जो है यहाँ पर भी सोफे बिछना शुरू हो गए, और यहाँ पर भी सफ़े बिछना शुरू हो गए। और इतने तैयार हो के बच्चों कहाँ जा रहे हो? माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और बड़ी मोहब्बतों से बनी हुई है, बड़ी चाहतों से बनी हुई है, बड़ी कुर्बानी मस्जिद बनी है, सुभान अल्लाह। ये जितने भी बच्चे हैं सब लोकल बच्चे यहाँ रह रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर काम करता है, ये सब बच्चे खुशी से, ये मोहब्बत से आते हैं और काम करते हैं। और आज कितने दिन हो गए माशाल्लाह, पूरा महीना ये सिर्फ इसी खिदमत में होता है, जबकि यहाँ पर जुम्मे को लंगर होता है एवरी फ्राइडे को नमाज के बाद, उसमें अलग ये लोग एवरी फ्राइडे आते हैं जिसकी स्कूल से छुट्टी हो। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है। एक दफ़ा फिर से वही मंजर, आज क्या है खाने में, आज क्या चावलों में, मटर चावल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहारें जो वाले साहब ने लगाई थी और ये पौधे जो लगाए थे वाले साहब ने, और देखें कैसे माशाल्लाह काश्तकारी के बाद और मुसलसल काश्तकारी हो रही है, फसलें बाहर आई हैं। ये कोमलें, ये देखें ना खूबसूरत बच्चे कैसे खिदमत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया देख कर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या खूबसूरत तोहफ़ा दिया वाले साहब ने हमें। पर जो लोकल इंतज़ाम है, यहीं पर ही कढ़ाई, ये पकोड़े, सुभान अल्लाह। ये हमारी बहनों का काम है यहाँ पर जो माशाल्लाह लगी हुई हैं, और इस छोटे का काम है। माशाल्लाह देखें बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, खूबसूरत तरीके से सफाई भी कर दी, फारिग बिल्कुल साफ़ सूफ करके। ये सब बच्चे मोहल्ले के खेल रहे बच्चे, अब खेलना बनता है ना इनका, भाई खेलो खेलो खेलो, शाबाश। बहुत शॉर्ट ट्रिप था मेरा ये, बिकॉज मैं आया था एक काम से, वो हो गया, ख़त्म कुरान था, और उसके बाद अब मैं लाहौर जाऊंगा। लाहौर में होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मेंढक, हेलो। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा लंबा ट्रिप होगा यहाँ का, कुछ स्टे करेंगे, कुछ मज़ा करेंगे। उम्मीद है कि अजीम भी आ जाएगा, अतीक भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो फ़िलहाल चलते हैं। राइट, अब तैयारी है लाहौर की, और मैं अब जा रहा हूँ। रात हो गई है, तकरीबन 8 बज रहे हैं, 9, पौने 9 बजे की मेरी डेवो है, डेवो, और इंशाअल्लाह फिर लाहौर जाके मुलाकात होती है। राइट जी, बस तैयार और मैं भी तैयार, अब चलते हैं लाहौर से। हमारी 8:45 थी लेकिन वो लेट हो गई, ये और फिर 9:30 बजे की हमें मिली है बस टूवर्ड्स लाहौर, और लाहौर पहुँचेगी 12:30, और पैसेंजर कोई टावा टावा ही है, इनमें कोई ज़्यादा है नहीं। भाई जी ऐसा सो गया मैं, मुझे पता ही नहीं चला, अभी उठा तो देखा तो लाहौर आ गया, मैं सो गया बिल्कुल, सब खाली, सब चल। उसने कहा कि भजन उठ जाओ उठ जाओ, बाकायदा उसने उठाया गया मुझे, कोई फ़ोन वोन का कुछ नहीं पता लगा, मज़ा आ गया। बहुत थका हुआ यार, उसका मतलब बहुत थका हुआ। 12:30 होगा।